नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शुक्ला। एक क्विंटल 32 किलो अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमीरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मौदहा कोतवाली पुलिस ने अवैध गांजे से भरा कंटेनर किया बरामद। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मामला हमीरपुर जनपद के मौदहा कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां पुलिस ने पेट्रोल पंप बड़े चौराहे के पास से एक कंटेनर में पेपर रोल के मध्य चार बोरों में 66 पैकेट अवैध गांजा बरामद किया है, जिसके प्रत्येक पैकेट 2 किलो वजन गांजा मिला है, जो लगभग एक क्विंटल 32 किलो बताया जा रहा है। मौके से पुलिस ने रमेश गुप्ता निवासी संतोषी नगर थाना तिंदवारी जनपद बांदा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज आरोपी को जेल भेज दिया है और अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हमीरपुर से सीलू निषाद की रिपोर्ट। आज थाना मौदहा क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर संदिग्ध अवस्था में खड़े कंटेनर ट्रक से 132 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसमें पेपर रोल लगे हुए थे और बीच में गांजा छुपा के चार बोरियों में रखा गया था। 2 किलो के पैकेट 66 पैकेट मिले, जिन्हें तौला गया 132 किलोग्राम गांजा मिला। इस संबंध में एक व्यक्ति रमेश गुप्ता, जो तिलवारी का रहने वाला मादा का, उसको गिरफ्तार किया गया। उसने पूछताछ पर बताया कि उसके साथ उसका दोस्त नीलेश और बबलू तथा बबलू की पत्नी, रमेश की पत्नी और नीलेश की लड़की, ये सभी लोग आंध्रा गए थे। वहां से इन लोगों ने गांजा खरीदा और इस ट्रक में छिपा कर लेके आ रहे थे और यहां पर ट्रक रोके थे। एक चार पहिया की गाड़ी तिलवारी लेने के लिए गई थी और चार पहिया की गाड़ी लेकर आ भी गए थे कहीं एक सुनसान जगह, तो इस ट्रक से अनलोड करके गांजे को अपने यहाँ ले जाना था उसको सप्लाई करने के लिए। इसी बीच पुलिस को पता चल गया तो इनको, पुलिस वहां पहुंची तो ये लोग वहां से खिसक लिए। केवल एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, तो बाकी लोग वहां से हट बढ़ गए हैं। इसको हिरासत में लेकर पूछताछ के आधार पर फर्द तैयार की गई है, तो मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें अन्य अभियुक्तों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। कुल 132 किलो गांजा बरामद हुआ है, जो आंध्र प्रदेश से तिंदवारी के लिए ले जाया जा रहा था।